हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लर्निंग प्लान का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में लर्निंग प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग EVS का लर्निंग प्लान, जो कि पर्यावरण और हम के सीखने की योजना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने लर्निंग प्लान 1 से लेकर के 5 तक के बारे में बताया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को, ये है पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को लर्निंग प्लान 6 से 10 तक बताऊंगी, और इसका थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, जिसमें लर्निंग प्लान 11 से 15 तक के बारे में बताऊंगी। स्पेशली ये वीडियो DLED के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिन्हें जब वो अपने SEP करने जाते हैं तो उन्हें ये लर्निंग प्लान बनाने को कहा जाता है। तो मैं टोटल 15 लर्निंग आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्लान 6 से। इसमें सबसे पहले आपको शिक्षिका का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, अध्याय, विषय वस्तु का शीर्षक और तिथि। फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा। इसमें सब पॉइंट होता है। पहला है विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, और दूसरा सब पॉइंट है शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ। इसमें ये जो पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा, इसमें आपको बताना है कि विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, यानी जब वो क्लास में आए तो उससे पहले उनका क्या समझ था, और इसके बाद जो सब पॉइंट है कि शिक्षक का क्या समझ था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय योजना का निर्माण। इसमें फर्स्ट सब पॉइंट है विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण एवं सीखने का महत्व। दूसरा सब पॉइंट है सीखने सिखाने की विधि विधियां का शिक्षण शास्त्रीय चयन। इसमें आप लोगों को ये लिखना होगा कि विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए हमें किन किन शिक्षण विधियों को चुनेंगे, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सा विधि को अपनाएंगे। थर्ड पॉइंट है सीखने की विधि विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। इसमें आपको योजना लिखना होता है, मतलब कि आपने जो पढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई कि वर्ग में जाएंगे तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई भी विषय वस्तु को अगर आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाए। तो मैंने इससे पहले सभी लर्निंग का वीडियो में बताया है कि योजना किसी भी लर्निंग पॉइंट के लिए मस्ट होता है, बिना योजना के किसी भी लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसके बाद है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन की सुझावात्मक बिंदु, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन लिखने होंगे, जैसे कितने विद्यार्थियों ने सवाल किए, उनके द्वारा किए गए सवाल क्या क्या थे, क्या मैंने जिस जो विषय वस्तु पढ़ाया उसमें किन किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया, मतलब किन किन DLM का उपयोग किया। इसके बाद है कि विद्यार्थियों ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, मतलब बच्चे समझ सके या नहीं समझे। इसके बाद है इस विषय वस्तु से संबंधित ऐसे सवाल जिसको आप अपनी संस्था के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसके बाद आप अपना लर्निंग कोई अन्य टिप्पणी लिख करके, मतलब कोई और पॉइंट है हाँ या ना लिख करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लर्निंग प्लान 7, 8, 9, 10 लिख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
आई होप कि ये वीडियो देखकर कि आप लोगों को EVS का लर्निंग बनाने में हेल्प मिली होंगी। इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और EVS का लर्निंग का भी वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के लर्निंग प्लान के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने DLED में जो एक्शन रिसर्च दिया जाता है बनाने को, उसके भी कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। DLED, BEd और डाइट से संबंधित किसी भी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की लर्निंग चाहिए होंगी तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल नाउ। थैंक यू।